Hi friends, I am Sudha Soni, retired lecturer from government sector. Friends, आजकल हमारे समाज में कुछ नई changes देखने में मिल रही हैं. बड़े लोग और युवा लोग भी सत्संग में, पाठ में और अपने अपने धार्मिक भावनाओं के साथ जो भी करते हैं उससे उसमें काफ़ी रुचि लेने लगे हैं, जिससे एक पॉजिटिविटी की लहर समाज में देखने को मिलती है. कई जगह पर इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी किया जाता है. लोग एक दूसरे की मदद करने में, चैरिटी में भी विश्वास रखने लगे हैं और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं. इससे काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, परंतु कई बार कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं कि सर शर्म से भी झुक जाता है. जैसे कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कि हम इंसानों से तो ये जानवर अच्छे हैं. वो किस तरह से दुखी होकर कहते हैं या उनको कौन सी पीड़ा पहुंची होगी जो उन्होंने ऐसे बोल दिया, ये एक तो नहीं कई लोग ऐसा बोलते हैं. साथियों, हर तरह के लोग समाज में होते हैं. अगर हम अपने आसपास भी देखें तो कई घर में या स्कूल्स में एक दूसरे को बुली करना, यानी दूसरे को मेंटली टॉर्चर करना, इसी तरह ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हर जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की भावनाएं रखते हैं, जिससे कि दूसरे लोग मेंटली टॉर्चर होते हैं और जब उनसे सहा नहीं जाता तो इस तरह से बोल देते हैं कि ये कैसे इंसान है, ये तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं. साथियों, हर एक की सहने की और अपने धैर्य को बनाए रखने की क्षमता होती है और उसको सभी को अगर समझ आ जाए तो दूसरे की सहन शक्ति की परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं होती. परंतु कुछ लोग इस चीज़ की उपेक्षा कर देते हैं और दूसरे को इतना टॉर्चर कर देते हैं कि कई लोग तो आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं या उनके मन में इंसानियत से विश्वास उठ जाता है. साथियों, ये एक सोचने की बात है और दुख की बात है. जहाँ एक तरफ समाज इतना अच्छा, अच्छे रास्ते की तरफ जा रहा है, उसी तरफ दूसरी तरफ जो लोग एक सैडिस्टिक नेचर के हैं, जो दूसरों को तंग करके, दुखी करके बहुत खुश होते हैं, इससे लोगों में मानसिक समस्याएं आती हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस होता है, कईयों को हार्ट अटैक हो जाता है. कुछ लोग इंसानों के प्रति ही नहीं, जानवरों के प्रति भी बहुत क्रूर हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं और उनको बिना सोचे समझे मारते हैं, उनका टॉर्चर करते हैं. साथियों, एक छोटी सी बात अगर हम याद रखें, जब हम बीमार होते हैं तो हमें कैसा लगता है और जो दूसरों को प्रताड़ित करते हैं वो भी तो कभी खुद बीमार हुए होंगे. उस समय हमें दूसरों के सहारे की कितनी ज़रूरत होती है. ये हमारा शरीर और जीवन, इसका कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है, इस पर ज़्यादा अभिमान करके, गर्व करके अगर हम दूसरों को टॉर्चर करेंगे तो
ये हमें किसी न किसी दिन जवाब भी देगा। हमारे कर्म हमारे सामने आएंगे। साथियों, कभी भी किसी को किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और हमेशा अगर हम ये बात याद रखेंगे तो हम एक बैलेंस्ड तरीके से दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, जो दूसरों के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी फलदायी होगा। आपको मेरी ये बात कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।